वॉट इज अप दिस इज योर फिट ट्यूबर राहुल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मेरे मेजरिंग स्केल में कुछ प्रॉब्लम है दिस वन जिसको मैंने टेकअप किया है बिकॉज इट इज़ अंडर वॉरेंटी और वो कुछ टाइम लेंगे हफ्ते भर का रिजोल्व करने के लिए फॉर द टाइम बिंग आई ऑर्डर अन अदर मेजरिंग स्केल फॉर मी तो आई हैव दिस मेजरिंग स्केल बाई हेल्थ सेंस ये कुछ इस तरीके का दिखता है आई एम नॉट श्योर इसमें लाइट कब बंद होती है आप थोड़ी देर में डिम हो जाती है बट शायद इसमें कुछ मूवमेंट होता है तो लाइट ऑन हो जाती है uh, ये बाउल इसके साथ आता है दिस इज़ प्लास्टिक या फाइबर काइंड ऑफ बाउल और ये इस यहाँ से सेंस करता है इस बाउल की जो पेरी है ये इसके सर्कल में फ़िट हो जाती है पूरी सो दैट बाउल गिरे नहीं उसमें फिट हो जाता है अनदर थिंग गुड थिंग अबाउट दिस स्केल इज ये बटन टेयर और पावर के लिए है तो टेयर इज एक्चुअली मीन्स इज अगर आपने इस पर कुछ खाली कंटेनर रखा तो ये उसका वेट मेजर करेगा अगर आप टेयर दबाएंगे तो वो उस कंटेनर के वेट को नलीफाई कर देगा और फिर उससे आगे जीरो से रीडिंग स्टार्ट होगी मतलब जो भी आप उस कंटेनर में डालेंगे तो जो ये दोनों बटनस हैं ये एक्चुअली बटन नहीं है बल्कि टच पैनल हैं और टैप करने पे चलते हैं जैसे अगर मैं यूनिट को पैनल को देखूं तो अभी मैंने ग्राम यहाँ कोने में लिखा है ग्राम आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों को विजिबल है या नहीं तो जो ये ग्राम लिखा है अगर मुझे उसकी यूनिट चेंज करनी है तो आई टैप ऑन दिस यूनिट बटन एंड ये फिर चेंज हो गया एम में चला गया एंड इफ आई टैप इट अगेन तो ये ओजी में आ गया है बट आई एम लिटिल कन्फ्यूज़्ड कि ये एम कैसे मेज़र करता है बिकॉज ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वेट मेज़र करता है और वेट से अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो ओबियसली आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए और अगर इसमें फार्मूला फेड है ऑलरेडी डेंसिटी uh, का तो वो क्या पानी की डेंसिटी जो हज़ार वैल्यू होती है किलोग्राम पर मीटर uh, क्यूब क्या वो वैल्यू है आई एम नॉट श्योर अबाउट वॉल्यूम, बट आई जनरली यूज़ दिस वन फॉर अच्छा इसमें पाउंड्स भी है दिस एल और एल बी एस दिस इज़ फॉर पाउंड्स तो पाउंड्स भी यूनिट है इसमें देन वी हैव ग्रैम सो मेरा यूज़ ग्रैम का है आई यूज़ इट फॉर ग्रैम्स अभी वैल्यू इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने उस वेट को रख के टेयर किया था तो so, ये उसका भी दिखा रहे सेंसर इस एंगल से इसके वेट की वजह से कुछ सेंसर पर लोड आ रहा होगा तो उसका वेट है सो दैट्स प्रटी मच इट आई लव दिस टैप फीचर टेयर से उसको ज़ीरो कर देता है ये ज़ीरो वैल्यू कर दी है इसने उसकी अगर मैं इसको लॉन्ग टैप करता हूँ तो दैट्स हाउ इट टर्न्स ऑफ परफेक्ट इसका प्राइस दोनों के प्राइस स्क्रीन पे हैं तो यू कैन सी इसकी बिल्ट क्वालिटी भी अच्छी है अमेजोन बेसिक्स वाले की और इसका बैक पैनल मुझे बेटर क्वालिटी का लगा कंपेयर टू दिस वन इसका प्लास्टिक मुझे लाइट वेट लगा पीछे से बट लेट्स सी इसकी लाइफ कितनी चलती है ऑल्सो वन मोर थिंग जो हेल्थ सेंस का ये स्केल है इट कम्स काम्स वारंटी कार्ड जब मैंने अपना बॉडी वेट मेजरिंग स्केल मंगाया उसमें भी ऐसे ही एक वारंटी कार्ड आया था हेल्थ सेंस भी एक साल की वारंटी प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक एमेजॉन बेसिक्स वेंग स्केल इस पे वारंटी का रजिस्ट्रेशन का तरीका है इसमें क्यू आर कोड दिया होता है यू हैव टू स्कैन दिस क्यू कोड और उस क्यू कोड से यू विल रीच ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्म जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरनेव टू रजिस्टर यूर प्रोडक्ट फॉर वॉरंटी एंड दट्स हाउ यू डू इट प्रोडक्ट खरीदने के तीस दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है वारंटी टर्म्स का लिंक मैं नीचे डेस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इफ़ यू आर पीपल आर ईगर टू नो कि क्या क्या कवर होता है क्या क्या नहीं एक और क्यू आर कोड दिया गया है दिस वन इज़ फॉर फाइलिंग अ कम्प्लेंट अगर आपको कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो आई होप मुझे उसकी जरूरत ना पड़े आई सजेस्ट आपको कोई ना कोई एक वेइंग स्केल यूज करना चाहिए अपने इनटेक uh, जो भी आप फूड इनटेक करते हैं उसको आपने मॉनिटर करना चाहिए एटलीस्ट आपको रफली आइडिया रहना चाहिए कि आप कितना कंज्यूम करते हैं फॉर दैट पर्पस सो दैट अगर आपको उससे गेन करना है या कट डाउन करना है तो आप उसको मैनिपुलेट अप डाउन करके चेंजेस uh, कर सके अपने टोटल कैलोरी इनटेक में सो दैट्स प्रेटी मच इट इन दिस वीडियो Agar aapke koi questions hain to let me know this is your fit fituber rahul i'll see you in my next video goodbye uh -huh. take care when my friends go go simple when the, low, the tempo i got right i got a heart i won't die i'm a fight i go down better strike i go hard day and night